बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। बायोटेक्नोलॉजी लफ्ज़ है, थ्री ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। बायोस लाइफ, टेक्नो मीन टूल्स, एंड लॉगोस मीन स्टडी ऑफ, द स्टडी ऑफ टूल्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ जाएँ तो ये क्या है, इट्स एनी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन दैट यूज बायोलॉजिकल सिस्टम। टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन से हमारे पास क्या है, हम एंडोन्यूक्लिएजेस रिस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लिएजेस हैं, लाइगेजेस हैं, ठीक है ना, आइसोमरेजेस हैं, ये डिफरेंट इंजाइम्स यूज़ कर रहे होते हैं। इन इंजाइम से हम क्या करते हैं, कट करते हैं, पेस्ट करते हैं, या हमारे पास क्या होते हैं, जीन इंसर्ट करते हैं। हम PCR के थ्रू क्या करते हैं, जीन्स आइसोलेट, DNA आइसोलेट करते हैं, वहाँ से जीन सेगमेंटेशन होती हैं, डिफरेंट जीन सीक्वेंस होगी वो क्या की जाती है, DNA सीक्वेंसिंग से हमें जीन्स का पता चलता है, और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, डिजायर्ड जीन होगा, उसको क्या किया जाता है, वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, और फिर क्या किया जाएगा, जिस ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमने वो करेक्टरिस्टिक्स लेने हैं उसमें इंसर्ट किया जाता है। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस है बायोलॉजिकल सिस्टम इस्तेमाल करते हुए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स या पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करके मॉडिफाई करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए प्लांट और एनिमल को बेनिफिशियल यूज़ के लिए, तो हम इसे क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। क्या है प्रॉपर डेफिनेशन, इट्स एनी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन दैट यूज बायोलॉजिकल सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक मॉडिफाई इम्प्रूव प्लांट्स आर एनिमल फॉर बेनिफिशियल यूज़। अगर हम जनरली बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन करें तो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ एनी टूल ऑन बायोलॉजिकल सिस्टम टू इम्प्रूव मैनकाइंड लाइफ, ठीक है ना, फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। अब बायोटेक्नोलॉजी का जो इंटरेक्शन है वो अदर साइंसेस के साथ वो देख लेते हैं, बायोलॉजी के साथ है, बायोस्टेटिक्स के साथ, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी, एंजाइमोलॉजी है, फूड साइंस है, एग्रीकल्चर है, मेडिसिन है, फार्मेसी है, जेनेटिक्स है, इम्यूनोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमी है। तो ये क्या है, इंटर डिसिप्लिनरी साइंस है, बहुत सारे दूसरी शोबा जात के साथ इसका ताल्लुक है। अब जो अवेलेबल डेफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी की, अगर हम वो देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, बायोटेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। क्या है, एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, सिस्टम्स आर प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर एंड स्ट्राइव इंडस्ट्रीज, सर्विस इंडस्ट्रीज, क्या करना है, इंडस्ट्रीज को सर्व करने के लिए, या कोई ह्यूमन काइंड की हेल्थ बेनिफिशियल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए बायोलॉजिकल सिस्टम को यूज करके जो बेनिफिशियल प्रोडक्ट बनाई जाएंगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, सिस्टम आर प्रोसेस टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज इंडस्ट्रीज। ये जो डेफिनेशन है ब्रिटिश बायोटेक्नोलॉजिस्ट की है। अब यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, इनकी डेफिनेशन के मुताबिक बायोटेक्नोलॉजी इज इंटीग्रेटेड यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब मतलब के जो नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी और इंजीनियरिंग साइंसेस का है, वो क्या है, एक दूसरे के साथ मिला जुला है। बायोटेक्नोलॉजी इज द सम ऑफ ऑल नॉलेजेस, हमने किस तरीके से जीन्स को आइडेंटिफाई करना है, किस तरीके से हमने क्या करना है, उनको वहाँ से रिमूव कराना है, किस तरीके से इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, तो ये डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं, यहाँ पे हमारे पास इंजीनियरिंग यूज़ हो रही है, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी यूज़ हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो US नेशनल साइंसेज फाउंडेशन है, उनकी बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है, बायोटेक्नोलॉजी इज द कंट्रोल्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स सच एज माइक्रोब्स आर सेलुलर कंपोनेंट्स। अब किस तरीके से माइक्रोब्स, बैक्टीरिया हैं, यीस्ट है, मोल्ड है, फंगस है, या कोई इसके अलावा प्लांट्स हैं, किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल यूज कर सकते हैं, किसी अगर खास कंपोनेंट प्रोड्यूस करवाना है, मिसाल के तौर पर इंसुलिन है, तो क्या है, बैक्टीरिया के अंदर हम वो जीन इंसर्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, वो प्रोड्यूस कर रहा होगा। अब यहाँ पे ओवर एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल करना होते हैं, और जहाँ पे एक्सप्रेशन मास्क हो रही होंगे वो भी फैक्टर देखे जाते हैं, तो ये डिफरेंट चीज़ें क्या हैं, बायोटेक्नोलॉजी में मद्देनजर रखी जाती हैं। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस, मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी,
कहाँ कहाँ पे हम बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई करते हैं? हमारे पास क्या है, मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, ह्यूमन हार्मोन्स है जैसा कि इंसुलिन है, टिश्यू इंजीनियरिंग है, स्टेम सेल है, कैंसर थेरेपीज हैं, ये क्या है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, बायोफ्यूल, बायोडीजल, बायोगैस। अब बायोफ्यूल्स, बायोडीजल या बायोगैस की अगर हम बात करें तो हमारे पास बायोगैस में इथेन प्रोडक्शन, आप अगर पाकिस्तान में भी बहुत सारी जगहों पे ऐसे यूनिट लगे हुए हैं जहाँ पे आप चक्कों के अंदर जाएंगे, गोबर गैस, ठीक है ना, बायोगैस प्रोड्यूस कराई जाती है जहाँ पे एक बड़े से वेल के अंदर क्या किया जाता है, मुसलसल जो एनिमल डंग होता है वो डाला जाता है जिससे क्या होती है गैस प्रोड्यूस हो रही होती है। बायोफ्यूल्स हमारे पास हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू क्या किए जाते हैं, जैसे कुछ फर्मेंटेशंस ऐसी हैं जो क्या करती हैं इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस करती हैं। अब ज़्यादा इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं एज अ बायोडीजल। अब इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया और प्लांट्स क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल वेस्ट को ट्रीट कर सकते हैं। अब इन्वायरमेंटल वेस्ट के साथ हमारे पास एक तो बहुत बड़ा इशू क्या है, बायोडिग्रेडेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स का है। अब इनके लिए ऐसी स्ट्रेटेजीज, ऐसे बैक्टीरिया डेवलप कराए जा रहे हैं, इंजीनियर किया जा रहा है उनको, ताकि क्या करें उनको जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हैं उनको ब्रेक कर सकें और इन्वायरमेंट के अंदर जो इतना ह्यूज बिल्डअप है प्लास्टिक का उसको रिमूव किया जा सके। तो इन्वायरमेंटल क्लीन लेने से हम अचीव कर सकते हैं बैक्टीरिया और डिफरेंट प्लांट ग्रुप से, और इन्वायरमेंटल वेस्ट को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है फूड बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे फूड बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज टू मेक आर मॉडिफाई एनिमल प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच हैव डिजायर्ड प्रोडक्शन में मार्केटिंग आर न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉपर्टीज टू ऑब्टेन फूड। अब देखें हमारे पास बहुत सारी वराइटीज ऐसी हैं फ्रूट्स की जो सीडलेस किन्नू हमारे पास आ गया मार्केट के अंदर, इसके अलावा सीडलेस गावा है, ठीक है, सीडलेस हमारे पास बेर है, और भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी क्या है क्वालिटीज अल्टर्ड करके, और हमारे पास मेलन्स हैं डिफरेंट वराइटीज के, बनानाज हैं। तो ये क्या है बायोटेक्नोलॉजी कल एप्लीकेशन से हम करते हैं, सीडलेस पपाया है तो क्या है ऐसे जीन्स उनसे एक्सकल करा दिए जाते हैं, डिलीट करा दिए जाते हैं जो क्या कर रहे हो डिजायर करेक्टरिस्टिक्स, अनडिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस कर रहे हो, तो डिजायर करेक्टरिस्टिक्स के क्या कर दिए जाते हैं जीन ऐड कर दिए जाते हैं। अब इसमें क्या है टेक्नोलॉजीज मेक मॉडिफाई एनिमल प्लांट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच हैव डिजायर्ड प्रोडक्शन मार्केटिंग, जिनकी क्या होगी डिजायर्ड प्रोडक्शन होगी, ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, उनकी मार्केटिंग इंक्रीज कर सकते हैं, या न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉपर्टीज को इंक्रीज कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई करके। अब प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, फूड बायोटेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज टू मेक और मॉडिफाई एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच हैव डिजायर्ड प्रोडक्शन मार्केटिंग और न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉपर्टीज टू ऑब्टेन फूड। नेक्स्ट हमारे पास फूड बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, प्लांट एग्रीकल्चर। अब फूड बायोटेक्नोलॉजी में अगर मैं वीट की बात करूँ तो वीट में आयरन फोर्टिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं, या प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज करने की बात कर लेते हैं, तो कैसे होगा, हमारे पास ऐसी सॉइल कंडीशंस है जिसके अंदर आयरन एक अच्छी अमाउंट के अंदर मौजूद है, लेकिन फिर भी हमारे लोगों के अंदर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया बहुत ज़्यादा है, बच्चों के अंदर प्रेग्नेंट वोमेन के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं प्लांट एग्रीकल्चर क्या कर सकते हैं इंक्रीज, वीट के अंदर ऐसे जीन इंसर्ट कर दिए जाएं जो आयरन अपटेक क्या करें ज़्यादा कर सकें, ग्रेन्स के अंदर आयरन ज़्यादा आ जाए, तो ऐसे जीन इंसर्ट करने से क्या होगा हमारी जो प्रोडक्शन है फोर्टिफिकेशन हो जाएगी, और वो स्पेसिफिक इशू क्या किया जा सकता है रिमूव किया जा सकता है। इसी तरीके से बहुत सारे जो हमारे प्लांट हैं उनके अंदर क्या है अपने डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक्स के जीन्स ऐड करके हम
डिजायर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, आप लोगों को पता है अब यहाँ पे टिश्यू कल्चर की बात है कि हमारे पास जस्ट एक प्लांट है, इस एक प्लांट का हमने थोड़ा सा स्टेम सेल लिया, उसको हमने क्या कर दिया है लेबोरेटरी के अंदर ग्रो करा है, तो उससे हम थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स हासिल कर सकते हैं जस्ट हम एक छोटे से पार्ट से। तो ये इससे हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डिजायर्ड प्रोडक्ट्स हासिल कर सकते हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की, कि किस तरीके से उसने आज कॉटन की, वीट की या डिफरेंट और क्रॉप्स की क्या कर दी है, प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया बाय द यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब क्रॉस ब्रीडिंग में मैं प्रोडक्शन इंक्रीज की बात करूं तो हमारे पास इतने सारे मिल्क एनिमल्स हैं कि हम जहां पे 2-3 किलो दूध हासिल किया करते थे एक जानवर से, आज 20-20 किलो तक भी जानवर क्या करते हैं, एक टाइम में दूध देते हैं। मीट प्रोडक्शन की बात करूं तो हमारे पास टिश्यू कल्चर के साथ साथ एनिमल्स भी ऐसे मार्केट में आ चुके हैं जो क्या करते हैं, जल्दी मीट प्रोड्यूस करते हैं। इसकी मिसाल हमारे पास क्या है, ब्रॉयलर की है। तो देखें हमारे पास जो लेयर है 6 महीने के अंदर क्या करती है, 1 kg 1.5 kg वेट अचीव करती है, जबकि ब्रॉयलर क्या करती है वही वेट 32 से 40 डेज के अंदर अचीव कर लेती है। क्रॉस ब्रीडिंग की अगर हम बात करें तो डिफरेंट जो हमारे पास क्या है, एक ही स्पीशी के डिफरेंट प्लांट्स के दरमियान में जिनकी क्वालिटीज़ कंपैरेटिवली अच्छी होंगी क्रॉस कराया जाता है। अब जब क्रॉस कराया जाएगा तो उनसे क्या किया जा सकते हैं, डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक्स को हम हासिल कर सकते हैं। हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट, अब यहाँ पे पेस्ट अटैक करते हैं और जड़ी बूटियाँ जो हैं प्लांट को बहुत बुरे तरीके से मुतासर करते हैं, तो ये जो हर्ब हैं ठीक है ना, जड़ी बूटियाँ हैं, इनको किस तरीके से, वीड्स हैं और इसके अलावा और भी दूसरे प्लांट्स हो सकते हैं, प्लांट को किस तरीके से अफेक्ट करती हैं क्रॉप को, उनको अब आप लोग देखते हैं ब्रॉड लीफ और नैरो लीफ जो बच्चे जिनका बैकग्राउंड थोड़ा एग्रीकल्चर से है या विलेज से है, तो उनको अच्छे तरीके से पता होगा कि हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। जब हम काटन सो करते हैं जिसे हम फरो मेथड पे, या फिर हम वीट आजकल के सीजन में जो लोग ग्रो कर रहे हैं तो वो भी क्या करते हैं, पेस्टिसाइड का हर्बिसाइड का यूज करते हैं ताकि जो दूसरी अदर देन हमारी जो टारगेट क्रॉप होगी उसके अलावा जितने भी प्लांट होंगे वो क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं। तो पेस्टिसाइड क्या डिफरेंट पेस्ट अटैक करते हैं, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स हैं वो भी क्या किए जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू डिवेलप किए जा सकते हैं। यूज ऑफ सॉयल बैक्टीरिया बेसिलस थ्रेंजेंसिस, अब बीटी काटन एज एन इंसेक्टिसाइड यूज हो रही है, लेकिन शुरू शुरू में इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, अब जाके डाउन होना शुरू हो गए हैं बहुत ज्यादा। इसके ऊपर क्या है, जो डिफरेंट पेस्ट्स हैं वो अटैक नहीं करते, ठीक है ना। यहाँ पे मैं सॉयल बैक्टीरिया की बात कर रहे थे, बेसिलस थ्रेंजेंसिस की बात कर रहे थे जो बीटी कार्टन के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया ताकि वहाँ से जो डिफरेंट पेस्ट्स हैं जब वो उसको यूज़ करेंगे, खाएंगे बीटी कार्टन को, इंसेक्ट्स हैं खाएंगे तो वो उसके गले में जाकर क्या करता है, बिल्कुल ख़त्म कर देगा और उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्रॉप मॉडिफिकेशन टेक्निक्स हमारे पास हैं, क्रॉस ब्रीडिंग है, म्यूटाजेनेसिस है, पॉलीप्लॉयडी है, प्रोटोप्लास्टफियन है, ट्रांसजेनेसिस है, जीनोम एडिटिंग है। तो इस तरीके से क्या किया जा सकता है, हम क्रॉप की पैदावार को डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक्स के अंदर ले के आ सकते हैं, और हम ये जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी क्रॉप्स को मॉडिफाई कर सकते हैं और डिजायर करेक्टरिस्टिक्स अचीव कर सकते हैं। एनिमल एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन, सिलेक्शन एंड ब्रीडिंग, एनिमल हेल्थ, फीडिंग एंड न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ एंड प्रोडक्शन, इन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं, हम उनकी रिप्रोड्यूसेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं
जिनकी एज कंसेप्शन एज मतलब कि एक जैसे भैंस है वो 4 साल में जाके उसके जो यंग वन है प्रेग्नेंट होगी, तो उसको क्या किया जा सकता है, ड्यूरेशन को 2.5 2.25 ईयर्स पे जाके मतलब 2.25 साल में भी जाके क्या किया जा सकता है, हम अगर जेनेटिक मॉडिफिकेशन लाएं तो उसकी कंसेप्शन मतलब कि प्रेगनेंसी एज को लाया जा सकता है। सिलेक्शन एंड ब्रीडिंग, हम किस तरीके से एनिमल सेलेक्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट उसको ब्रीड करवा सकते हैं, एनिमल हेल्थ किस तरीके से मॉनिटर की जा सकती है, फीडिंग एंड न्यूट्रिशन है, सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं मद्देनजर रख सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग के अंदर से किस तरीके से हम बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ बैक्टीरियाज, हम बैक्टीरिया यूज़ करते हैं फूड प्रोसेसिंग के अंदर, जो जैसे कि हमारे पास पिकल्स है या और भी बहुत सारे प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं जहाँ पे हम बैक्टीरिया यूज़ कर रहे होते हैं, तो क्या करते हैं डिजायर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवा लेते हैं। इसी तरीके से हम यीस्ट ऐड करते हैं सैक्रोमाइसिस सर्वेसी ब्रेड वगैरह बनाने के लिए, लैक्टोबैसिलस हम बैक्टीरिया ऐड करते हैं योगर्ट प्रोडक्शन के अंदर, फंजाई है चीज़ वराइटीज़ प्रोड्यूस करवाने के लिए हम क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से क्या है डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करके हम डिफरेंट फूड प्रोसेसिंग टेक्निक्स में एड अप कर सकते हैं। फूड प्रोसेस में पर्पस क्या होता है, एक्सटेंड शेल्फ लाइफ। अब शेल्फ लाइफ एक्सटेंशन हर प्रोसेसर का अपना एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है। कैसे हम कर सकते हैं शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड, अगर मैं बात करूं फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स की जो पील है उसको क्या किया जा सकता है, ऐसे जीन इंसर्ट कर दिए जाएं जो उसकी पील के अंदर पेक्टिन एक्युमुलेशन ज़्यादा कर दें, जिसकी वजह से पेक्टिक सब्सटेंसेस ज़्यादा हो जाएं, तो क्या हो जाएगी उनकी जो कवर है वो हार्डर हो जाएगा और वो क्या करेंगे ज़्यादा प्रोटेक्ट हो सकेंगे। एफिशिएंट फूड प्रोसेसिंग, अब ऐसे करेक्टरिस्टिक्स लाए जाएं, ऐसे करेक्टरिस्टिक्स के जो प्रोसेसिंग में एड अप कर रहे हो, मदद कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो। मिसाल के तौर पर अगर कोई हमारे पास प्रोडक्ट ऐसी है जो जल्दी जल्दी क्या हो जाती है फ्लफी हो जाती है, तो उसके अंदर ऐसे जीन इंसर्ट कर दिए जाएं जिसकी शेल्फ लाइफ क्या थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाए और प्रोसेसिंग में वो हेल्प आउट कर सके। बेटर न्यूट्रिएंट कंपोजिशन, अब वही बात जैसे मैं अभी प्रीवियस स्लाइड्स में कर रहा था कि स्पेसिफिक हमारे पास जो डिजायर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके हम जीन इंट्रोड्यूस करा देते हैं प्लांट्स के अंदर, वो प्लांट्स क्या करते हैं जो डिजायर्ड न्यूट्रिएंट होगा उसको ज़्यादा अपटेक करेगा, जब ज़्यादा अपटेक कर रहा होगा तो क्या है हम हेल्थ बेनिफिट्स ज़्यादा वहाँ से हासिल कर सकते हैं। ट्रांसजेनिक या जीएमओस, ट्रांसजेनिक हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिसका जिसमें कोई दूसरा जीन एड अप हो चुका हो, ठीक है ना, ट्रांसजेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म्स विथ डीएनए फ्रॉम एन अदर सोर्स इंसर्टेड इनटू देयर जीनोम। क्या है अगर किसी दूसरे जानदार से एक डीएनए जीन क्या क्या दिया गया है किसी खास ऑर्गेनिज्म में किसी खास जानदार में ऐड कर दिया गया है, तो वो जो जानदार जिसमें जीन ऐड अप हो चुका है उसको हम क्या बोलेंगे ट्रांसजेनिक बोलेंगे, या उसे हम क्या बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म्स। अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स में हमारे पास देखें ये चिकन है, ठीक है ना, ये हमारे पास फिश है, सालमन और बीफ, तो क्या है ज़्यादा से ज़्यादा मीट प्रोड्यूस करने के लिए जो पर्पस है वो अचीव किया गया है बाय द इंसर्शन ऑफ जीन ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स से। इंडस्ट्रीज एंड मेडिसिनल यूज, तो जितना भी हमारे पास फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जितना भी हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करती हैं ऐसी टेक्निक्स डेवलप कराती हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स डेवलप कराती हैं जिन पे हम क्या कर सकते हैं टेस्ट कर सकते हैं और उनको मजीद हम बेनिफिशियल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी क्या किया जाता है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म तैयार किए जाते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट्स में राइस है, वीट है, तो क्या किया जाता है इनमें जीन क्या कर दिए जाएंगे, जो राइस अगर हम बात करें तो राइस में या तो ऐसे जीन ऐड अप कर दिए जाएंगे जो आयरन कंटेंट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, या जिंक कंटेंट को बढ़ा सकते हैं तो वो ऐड अप कर दिए जाएंगे। वीट के अंदर हम क्या कर सकते हैं आयरन जिंक कंटेंट या हमारे पास जो ट्रेस मिनरल्स हैं उनके कंटेंट इंक्रीज करने के लिए कोई जीन ऐड कर सकते हैं।
अब यहाँ पे बात की गई है राइस के अंदर क्या है, ऐसे जीन ऐड कर दिए जाएं जो उसके फ्लडिंग कंडीशंस के अंदर, जो तैरते हुए फ्लोटिंग कंडीशंस के अंदर भी उसको सर्वाइव करने करा दें। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे प्लांट तैयार कर सकते हैं जो उनके फ्लडिंग कंडीशंस मतलब पानी में राइस खड़े होकर क्या करती है, सर्वाइव करती है। तो ये वाले जीन हम निकाल के किसी दूसरे प्लांट में ऐड कर दें तो वो प्लांट हमें फ्लडिंग कंडीशंस के अंदर डिजायर्ड प्रोडक्ट दे रहे होंगे, डिजायर्ड हमें सीड मिल रहे होंगे, डिजायर्ड फूड मिल रही होगी वहां से। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ये देखें हमारे पास ये पोटैटोज हैं, एप्पल्स हैं और गुआवा वगैरह मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड। हेल्थ रिस्क क्या होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के, कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं? पहली बात है कैंसर, ठीक है ना। कैंसर एक आजकल एक बहुत आम बीमारी बन चुका है और इसको पता नहीं इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ, हर चीज़ के साथ, फूड के साथ कहाँ कहाँ लिंक किया जाता है, लेकिन इसको क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के साथ भी लिंक किया जाता है कि जीएमओ उसके जो हेल्थ रिस्क हैं, क्योंकि उनके अंदर अल्टर्ड जीनोमिक्स होती हैं, अल्टर्ड जीन्स होते हैं, वो क्या कर सकते हैं हमारी सीक्वेंसिंग में म्यूटेशंस काज कर सकते हैं। जब म्यूटेशन, हाँ, फूड ब्रेक डाउन में भी जब हम बात करते हैं ना कि हमारी बॉडी क्या कर रही है, डाइजेस्ट कर रही है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन लेवल पे जाता है। एब्जॉर्प्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन में जब स्पेसिफिक अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग को हमारे जो डिजायर्ड जीन्स हैं या इंजाइम्स हैं वो ब्रेक कर रहे होंगे प्रोटीन यूटिलाइज करने के लिए, तो वहाँ पे भी क्या आ सकते हैं, ऐसे अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं जो हमारे जीन्स के अंदर म्यूटेशन काज करवा सकें और उनसे कैंसर हो जाए। इनफर्टिलिटी बहुत बड़ा इशू ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसको लिंक किया जाता है मोस्टली फैलिक एसिड के साथ, जो शॉपर है इस ये फैलेट्स मिलकर बना होता है, तो इसके साथ, ठीक है ना, LDPH, DP, तो ये फैलेट्स ज़्यादा अफेक्ट कर रहे होते हैं। इसको बायोटेक्नोलॉजिकल रिस्क के तौर पर भी वही के हमारे जो डिफरेंट जेनेटिक मेकअप है उसको क्या कर रहा होगा, इन्फ्लुएंस कर रहा होगा, अफेक्ट इम्यून सिस्टम, किडनीज, डाइजेस्टिव सिस्टम है, लिवर है, हाई ब्लड शुगर है, एक्सलेट एजिंग, ये सारी की सारी चीज़ें क्या कर रहा होगा, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा होता है। बायोटेक्नोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स हैं वो अफेक्ट कर रही होती हैं। पीपल आर फेड बाय फूड इंडस्ट्री विच पेज नो अटेंशन टू हेल्थ एंड आर ट्रीटेड बाय हेल्थ इंडस्ट्री विच पेज नो अटेंशन टू फूड। एक बहुत बड़ी सेंग है कि जो फूड इंडस्ट्री है, जब भी कोई प्रोडक्ट डिजाइन करती है तो वो हेल्थ के ऊपर कोई फोकस ही नहीं करती कि इसके हेल्थ इंपैक्ट्स क्या होंगे। और एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसने कभी फूड के बारे में सोचा ही नहीं कि फूड में ये कॉन्स्टिट्यूएंट है, उनको यूज करके हम क्या करें, एक डिजायर्ड न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट बना दें। तो इससे जो आजकल बहुत बड़े प्रॉब्लम इमर्ज हो रहे हैं और दिन ब दिन छोटे बच्चे से लेकर एक ओल्डर एज जो शख्स है उसके हेल्थ इफेक्ट्स अनबियरेबल हैं, ठीक है ना, उनको कंट्रोलेबल नहीं है। यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो दिखाई गई हैं ज़्यादा से ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी के जरिए, जिनको क्या किया है, मॉडिफाइड कराया जा चुका है। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।